hello everyone this is nikita yadav welcome you all at akira study channel in this video we are going to cover july month haryana current affairs as i told you earlier that we will cover last 9 month haryana current affairs in just 9 class so this is our ninth class last class of the series and we will cover july 2022 haryana current affairs which will be very important for upcoming cet examination वीडियो कम्प्लीटली सो क्लास शुरू करने से पहले हम बात करते हैं अभी तक हमने क्या कुछ कवर किया है सो so, पहली आती है हमारी फर्स्ट सीरीज जो हमने शुरू की थी 22 वीडियो में हरियाणा के 22 जिले कवर करने के लिए सो so, उसको आपने खूब पसंद भी किया और सपोर्ट किया थैंक यू फॉर देट गायस सो इसमें हमने 22 वीडियो में हरियाणा के 22 जिले कवर किए थे एक वीडियो में हरियाणा का एक जिला कवर किया था सो so, ऐसा करके हमने 90% जो स्टेटिक हरियाणा जीके है वो पोर्शन कंप्लीट किया है अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी सी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए नेक्स्ट अब हमने जो कवर किया है नाइन मंथ हरियाणा करंट अफेयर्स कवर किए हैं नो वीडियो में नो मंथ के हरियाणा करंट अफेयर्स कवर किए हैं नवम्बर दो से जुलाई दो तक ये हमारी लास्ट क्लास है जिसमें हम जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स कवर करेंगे हालांकि जो सी एग्जाम डेट है वो नवंबर पाँच से छः नवंबर कर दी गई है सो so, अक्टूबर तक के तो करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाएंगे लेकिन सेप्टेम्बर दो तक के मैं आपको हरियाणा करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊँगी आने वाले दिनों में आपको मिल जाएंगे वो नेक्स्ट हमने कवर किया है स्टेटिक नेशनल जीके के स्टेटिक नेशनल जीके में हमने फर्स्ट मेल इन इंडिया फ़र्स्ट फीमेल इन इंडिया फ़र्स्ट इन द वर्ल्ड जो भी कुछ था वो हमने कवर किया है आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर आने वाली क्लास में हम पढ़ेंगे वन लाइनर स्टेटिक हरियाणा जी के क्वेश्चन ये हम टेन क्लासेस लेकर आएंगे अराउंड सो तो वन क्लास में हम हंड्रेड क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो ये वन लाइनर क्वेश्चन हम कवर करेंगे ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए होंगे क्वेश्चन सो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम एन एग्जाम कंडक्ट करा रहा है हरियाणा में किसी भी स्टेट का एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाया है तो हो सकता है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स की क्वेश्चन देखकर हेल्प ले एन टी ए सो आपको काफ़ी स्कोर करने को मिल सकता है सी ई टी में नाउ लेट स्टार्ट क्लास हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है हरियाणा में आम का मेला कब और कहाँ आयोजित किया गया सो so, हरियाणा में आम का मेला प्रतिवर्ष पंचकुला के पिंजौर में लगता है और इस साल आठ नौ और दस जुलाई को पिंजौर में ये मेला आयोजित किया गया सो so, यहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हरियाणा में आमों का मेला कहाँ लगता है सो so यहाँ पर पिंजोर ना देकर पंचकुला ऑप्शन मिलेगा तो पंचकुला सही है लेकिन अगर क्वेश्चन में पिंजोर और पंचकुला दोनों ऑप्शन हैं तो आप पिंजोर करेंगे पंचकुला नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीएसटी कलेक्शन में नॉर्थ इंडिया में हरियाणा की कौन सी पोजीशन रही है सो जीएसटी कलेक्शन में नॉर्थ इंडिया में हरियाणा की फर्स्ट पोजीशन रही है ये आप याद रखिएगा सेकंड थर्ड पोजीशन का कोई नहीं पूछता है लेकिन फर्स्ट पोजीशन जिसमें रही वो क्वेश्चन 99 पूछा जा सकता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा के बाहोली गांव में हिमालय में पाए जाने वाला महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल मिला है वह स्थान कहां पर है सो so, ये स्थान है ये सरस्वती सरोवर जिसकी खुदाई की है उसमें मिला है और ये जो सरस्वती सरोवर है ये कुरुक्षेत्र में है सो so, यहाँ से दूसरे उसमें लैंग्वेज में क्वेश्चन बना सकते हैं ये बोल सकते हैं कि महाभारत कालीन रेत और क्रिस्टल कहाँ मिला है सो ये कुरुक्षेत्र में मिला है कुरुक्षेत्र ना देकर ये सरस्वती सरोवर भी लिख सकते हैं तीसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से ये बना सकते हैं बाहुली गांव कहाँ पर है सो ये कुरुक्षेत्र में है सो आपको हर तरीके से तैयार होके जाना है क्वेश्चन जैसे भी पूछे आपको उसका आंसर करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में किसानों को ड्रैगन फ्रूट के बाग लगाने के लिए सरकार प्रति एकड़ कितना अनुदान दे रही है ये बाद नहीं है बाग है सो ड्रैगन फ्रूट के बाग लगाने के लिए सरकार किसानों को एक लाख बीस हजार प्रति एकड़ अनुदान दे रही है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में फसल विविधीकरण योजना 2022 के तहत धान की वैकल्पिक फसलों द्वारा विविधीकरण पर किसानों को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है तो ये राशि है सात हजार रुपए प्रति एकड़ अगला क्वेश्चन है हमारा शाह लबाना व बाबा शाह बंजारा जयंती हरियाणा में कब और कहां मनाई गई सो तो ये मनाई गई कुरुक्षेत्र के थानेसर में और डेट की बात करें तो डेट थी 10 जुलाई 2022 को नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 23 के लिए लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया सो so, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 99% परसेंट चांस है ये क्वेश्चन पूछा जाए सी एग्जाम में सो so, इनका नाम है सी वरुण चौधरी सी वी चौधरी भी बोल सकते हैं सो so, ये आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में नए परिसीमन के बाद कितनी लोकसभा सीट हो जाएंगी ये हुई नहीं है हो जाएंगी तो ये हो जाएंगी चौदह अभी अगर हम फिलहाल बात करें एट प्रेजेंट हरियाणा में लोकसभा की सीट है दस राज्यसभा की सीट है पाँच और विधानसभा की सीट है नब्बे आई होप आपको ये पता होंगे नहीं पता होंगे तो आप नोट डाउन कीजिएगा ये पूछ सकते हैं एग्जाम में सो so, परिसीमन के बाद सीट हो जाएंगी चौदह अगले क्वेश्चन है हमारा हरियाणा में दलहन व तिलहन उगाने के लिए किसानों को सरकार द्वारा कितनी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है सो so, ये दी जा रही है चार हज़ार रुपये प्रति एकड़ नेक्स्ट क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा ने स्टॉक होम में फर्स्ट अटेम्प्ट में कितना भाला फेंक कर नेशनल रिकॉर्ड बनाया सो so, इन्होंने फेंका था भाला 89.93 मीटर। पॉइंट क्वेश्चन है हमारा हरियाणा की मधु यादव ने मिसेज एशिया क्राउन का खिताब जीता है वे कहाँ से है सो so, मधु यादव का संबंध है हरियाणा के रिवाड़ी जिले से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हरियाणा में हर घर तिरंगा अभियान कब चलाया गया सो so, ये चलाया गया तेरह से पंद्रह अगस्त दो हज़ार बाईस को ये मैंने जो करंट अफेयर्स लिखे हैं तैयार किए हैं ये अगस्त में किए हैं सो so, अगस्त जो करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे अगस्त 2022 के उसमें भी ये क्वेश्चन पढ़ेंगे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है इसलिए मैंने इसमें भी ऐड कर दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में फिल्म सिटी कहाँ और कितने एकड़ में बनाई जा रही है सो so, ये फिल्म सिटी बनाई जा रही है पंचकुला के पिंजौर में जो कि 60 से 70 एकड़ भूमि में बनाई जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के पंकज सिंगरोहा ने 12 जून को 125 मिनट भूमासन करके वर्ल्ड वाइड बुक में अपना नाम दर्ज कराया है वे कहाँ से हैं सो so, पंकज सिंगरोहा रहने वाले हैं जींद जिले के नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर प्रेम प्रकाश मित्तल को ऊर्जा बचत के क्षेत्र में नेशनल एम अवार्ड मिला है वे कहाँ से है उन्हें अवार्ड कब और कहाँ दिया गया सो so, इसमें तीन आंसर छुपे हुए हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सो so, डॉक्टर प्रेम प्रकाश मित्तल फरीदाबाद के रहने वाले हैं और जो ये अवार्ड है वो दिए गए हैं नई दिल्ली में 30 जून 2022 को यहीं से क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं नेशनल एम अवार्ड किन्हें मिला है सो so, ये मिला है फरीदाबाद के प्रेम प्रकाश मित्तल को और किस फील्ड में मिला है तो ये ऊर्जा बचत में मिला है अगला क्वेश्चन है हरियाणा का पहला फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया है सो ये खोला गया है हरियाणा के यमुनानगर जिले में नेक्स्ट क्वेश्चन है संजीव कुमार को एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई अवार्ड दिया गया है वे कहाँ से है सो संजीव कुमार है हिसार से अगला क्वेश्चन है हरियाणा में जेल का नया नाम बदलकर क्या कर दिया गया है सो अब जेल को नए नाम से जाना जाएगा जो नया नाम है वो है सुधार गृह अगला क्वेश्चन है हरियाणा में कितने स्थानों पर नहरों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है सो ये चार स्थान हैं जहां पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे सो ये स्थानों के नाम हैं जींद कैथल फतेहाबाद व नरवाना ये आप याद रखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एच ने हाई क्वालिटी की आलू किस्म बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है सो so, अच्छी क्वालिटी की किस्म बनाने के लिए हरियाणा ने समझौता किया है पेरू के साथ पेरू की कैपिटल की बात करें तो वो है लीमा और पेरू में दुनिया का सबसे बड़ा आलू अनुसंधान केंद्र है ये भी आप याद रखिएगा और पेरू में ही दो चार महीने पहले की अगर बात करें तो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी सो आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि नेशनल इमरजेंसी क्यों लगाई गई थी अगला क्वेश्चन है हमारा एम एस एम ई नेशनल अवार्ड में हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है सो एम एस एम ई नेशनल अवार्ड में हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है थर्ड पोजिशन मिली है सो दिस इज़ ऑल अबाउट जुलाई मंथ हरियाणा करेंट अफेयर्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज इस वीडियो का फ्री पी डी एफ पाने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं आकेरा स्टडी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मैं कोशिश करूँगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने के लिए सो थैंक्स अगेन